जय हिंद प्यारे बच्चों, वेलकम टू भारतवर्ष क्लासेस। प्यारे बच्चों, आज हम लोग कक्षा 6 गणित पाठ पुस्तक में प्रश्नावली 4.2 को करेंगे। बच्चों, हमने अपने पिछले क्लासेस में प्रश्नावली 4.1 के सभी प्रश्नों को किया था, तो चलिए बच्चा आज हम प्रारंभ करते हैं प्रश्नावली 4.2। प्रश्न संख्या 1 यहाँ पे दे रखा है। पहले तो आपसे एक निवेदन है कि आप लोग पेन और कॉपी लेके बैठोगे, बहुत ही आसान तरीके से हम इसके सारे प्रश्नों को करेंगे। आपको कहीं भी डाउट होता हो तो आप कमेंट कीजिएगा। प्रथम प्रश्न है, निम्न के सार्वगुणनखंड निकालिए। ठीक है, सार्वगुणनखंड क्या होता है जी? सबसे पहले हम लोग गुणनखंड देख लेते हैं। गुणनखंड क्या होता है? तो यहाँ पे दो संख्याएं दे रखी है बच्चा, 4 और 12। सबसे पहले आपको ऐसे 4 लिख लेना है। आपको देखना है कि कौन कौन सी ऐसी संख्या है जिसका पहाड़ा में 4 आता है। क्या कहा मैंने? कि आपको देखना है कि कौन कौन सी ऐसी संख्याएं हैं जिसका पहाड़ा पढ़ने पर 4 आता है। जैसे हम एक का पहाड़ा पढ़ेंगे बच्चा, एक का एक, एक दूनी दो, एक तिया तीन, एक चौक 4। तो एक का पहाड़ा में 4 बार में 4 आता है, तो 4 का गुणनखंड 1 होगा। क्या होगा? 1 होगा। एक के बाद कौन सी संख्या होती है? एक के बाद 2 होता है। क्या 2 का पहाड़ा में 4 आता है? 2 का 2, 2 दूनी 4 आता है। कितना बार में आता है? आप लोग बोलोगे कि सर 2 का पहाड़ा में 4 2 बार में आता है, तो 4 का गुणनखंड 2 भी होगा, 2 लिख देंगे। 2 के बाद क्या होता है? 3 होता है। क्या 3 का पहाड़ा में 4 आता है? 3 का 3, 3 दूनी 6, 6 आ गया। नहीं आता है सर, उसे नहीं पढ़ना है। अब इसके बाद क्या होता है? 4, 4 का पहाड़ा में 4 आता है? आता है सर, 4 एकम 4 1 बार में, तो 4 भी इसका गुणनखंड होगा। यहीं तक चेक करना है, जहां तक यह संख्या, या जैसे 4 है तो आपको 4 तक के पहाड़ा में चेक करना है, क्योंकि 5 तो ज्यादा हो जाएगा। तो 4 का गुणनखंड क्या हुआ? 4 का गुणनखंड 1 हुआ, 2 हुआ 4 हुआ। ठीक है, अब इसी प्रकार हम लिख लेंगे 12। 12 हमने लिख लेना है, और 12 को देखेंगे कि किसका किसका पहाड़ा में 12 आता है। सबसे पहले तो एक, एक का पहाड़ा में सभी संख्याएं आती है, सभी संख्याएं एक का पहाड़ा में आता है, तो एक का पहाड़ा हम यहाँ 1 लिख लेंगे। एक के बाद होता है 2। क्या 2 का पहाड़ा में 12 आता है? आता है सर, 2 6 12, तो 2 लिख लेंगे। क्या 3 का पहाड़ा में 12 आता है? हाँ, 3 का 3, 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 6 12, 3 का पहाड़ा में भी आता है, 4 का पहाड़ा में भी आता है, 4 3 12। ठीक है, इसके बाद 5 का पहाड़ा में 12 नहीं आता है, 6 का पहाड़ा में 12 आता है, हाँ आता है सर, 6 दूनी 12, तो 6 का पहाड़ा लिख लेंगे। फिर 7 का पहाड़ा में नहीं आता है, 8 का पहाड़ा में नहीं आता है, 9 का पहाड़ा में नहीं आता है, 10 का पहाड़ा में भी नहीं आता है, 11 का पहाड़ा में भी नहीं आता है। फिर यहाँ पे है 12, 12 का पहाड़ा में आता है, हाँ 12 का पहाड़ा में 12 1 बार में आता है। तो 4 का गुणनखंड हुआ 1, 2 और 4, 12 के गुणनखंड हुए 1, 2, 3, 4, 6 और 12। गुणनखंड समझ में आ गया। अब यहाँ पे दे रखा है सार्वगुणनखंड। सार्वगुणनखंड का अर्थ है बच्चा कि वे संख्याएं जो दोनों का पहाड़ा में आती है, यानी यहाँ पे देखिए, यहाँ 1 है, यहाँ पे भी 1 है, यानी 1 का पहाड़ा में 12 भी आता है, 1 का पहाड़ा में 4 भी आता है, तो एक सार्वगुणनखंड होगा। फिर अगला संख्या है 2, 2 का पहाड़ा में 4 भी आता है, 2 का पहाड़ा में 12 भी आता है, तो 2 होगा सार्वगुणनखंड। इसी प्रकार देखें 4, 4 का पहाड़ा में 4 भी आता है, 4 का पहाड़ा में 12 भी आता है, तो यहाँ सार्वगुणनखंड क्या होगा? 1, 2 और 4, ये होगा सार्वगुणनखंड। तो लिखेंगे 4 और 12 के सार्वगुणनखंड 1, 2 और 4 हैं। ऐसे लिख लेना है बच्चा, आसान प्रश्न है। चलिए करते हैं प्रश्न संख्या 2 को। दूसरा प्रश्न दे रखा है, 12 और 18 के सार्वगुणनखंड निकालिए। तो सबसे पहले 12 के गुणनखंड लिखेंगे। 12 के गुणनखंड बताइए क्या क्या हो जाएंगे? 12 के गुणनखंड हो जाएंगे 1, उसके बाद 2, 2 के बाद अभी हमने देखा 2 के बाद 3 होगा, 4 होगा, 6 होगा और 12 होगा। ये तो हो गए 12 के गुणनखंड। ये सारी संख्याएं 12 को पूर्णतः विभाजित कर देगी। इसी प्रकार हम देखेंगे 18 के गुणनखंड। तो सबसे पहले 1 लिख लेना है आपको,
एक का पहाड़ा में आएगा, दो का पहाड़ा में भी आएगा, तीन का पहाड़ा में भी आएगा, छः का पहाड़ा में भी 18 आएगा, नौ का पहाड़ा में भी 18 आएगा, और 18 का पहाड़ा में भी 18 आएगा। अब आपको देखना है कि इन दोनों के गुणनखंड में कौन सी ऐसी संख्या है जो दोनों में आ रही है। तो आप देखोगे एक दोनों में है, दो दोनों में है, तीन दोनों में है और छः दोनों में है। इसके अलावा कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जो दोनों में है। तो दोनों के सार गुणनखंड क्या होंगे? एक, दो, तीन और छः होंगे। लिखेंगे 12 और 18 के सार गुणनखंड एक, दो, तीन और छः हैं। ऐसे आपको लिख लेना है, ठीक है बच्चा? चलिए अब हम करते हैं प्रश्न संख्या 3। आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है? वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। और हाँ, जितने भी बच्चे भारतवर्ष क्लासेस पर पहली बार आए हो, आपसे निवेदन है बच्चा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपको इसी प्रकार से सारे प्रश्नावली में एकदम अच्छी आसानी से समझाऊंगा, आपके दिमाग में वो चीज छप जाएगी। आपको एक भी चीज ऐसा नहीं होगा कि रटना होगा, आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। तीसरा प्रश्न है 16 और 64 का सार गुणनखंड। तो सबसे पहले हम 16 लिख लेंगे। 16 को देखेंगे कि कौन कौन सी ऐसी संख्याएं हैं जिसका पहाड़ा में 16 आती है। तो हम यहाँ से लिखेंगे एक का पहाड़ा में, दो का पहाड़ा में, चार का पहाड़ा में, आठ का पहाड़ा में और 16 का पहाड़ा में। ये पांच संख्याएं हैं जिसका पहाड़ा में 16 आती है। ये संख्याएं 16 को पूर्णतः विभाजित कर देगी। उसके बाद नीचे है यहाँ 64, तो 64 लिखेंगे। अब 64 किस किस संख्या का पहाड़ा में आएगा? तो यहाँ एक का पहाड़ा में आएगा, दो का पहाड़ा में आएगा। दो का पहाड़ा में कैसे आएगा सर? क्योंकि दो ही 64 को पूरी तरह से काट देगा, क्योंकि दो तिया छः, दो दूनी चार, पूरा काट जाएगा। फिर तीन का पहाड़ा यहाँ में आएगा? नहीं आएगा। चार का पहाड़ा में आएगा, आठ का पहाड़ा में आएगा, 16 का पहाड़ा में आएगा और 64 का पहाड़ा में आएगा। ये तो हो गए इन दोनों के गुणनखंड। सार गुणनखंड कौन कौन से होंगे? दोनों में एक है, दो है, चार है, आठ है और 16 है। तो सार गुणनखंड एक, दो, चार, आठ और 16 होंगे। लिखेंगे 16 और 64 के सार गुणनखंड एक, दो, चार, आठ और 16 है, ठीक है। प्रश्न संख्या 4। चौथा प्रश्न दे रखा है 36 और 120 के सार गुणनखंड। सबसे पहले लिखेंगे 36। 36 किसका किसका पहाड़ा में आता है? एक का पहाड़ा में आता है, दो का पहाड़ा में भी आता है, तीन का पहाड़ा में भी आता है, चार का पहाड़ा में भी आता है, छः का पहाड़ा में भी आता है, नौ का पहाड़ा में भी, 12 का पहाड़ा में भी, 18 का पहाड़ा में भी और 36 का पहाड़ा में भी 36 आता है। ये हमने लिख लिया 36 के गुणनखंड। 120 के गुणनखंड लिखेंगे, तो 120 के गुणनखंड हो जाएंगे एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, आठ, 10, 12, 15, 20, 30। इसके आगे भी हो सकते हैं, यहाँ पे 60 और 120, लेकिन मैंने 30 तक लिखा है क्योंकि हमें सार गुणनखंड लिखना है। तो सार गुणनखंड में यहाँ पे 36 तक ही है, तो यहाँ पे 36 के आगे इधर होगा ही नहीं। तो हम लोग चेक कर लेंगे, एक आ रहा है दोनों में, दो आ रहा है, तीन आ रहा है, चार आ रहा है, छः आ रहा है, फिर नौ इसमें नहीं है, 12 आ रहा है, 12 तक आ रहा है। तो लिखेंगे 36 और 120 के सार गुणनखंड एक, दो, तीन, चार, छः और 12 होंगे। ये थे प्रश्न संख्या 1। बताइए आपको इन प्रश्नों में किसी प्रकार का डाउट है? होना नहीं चाहिए, वैसे होगा तो आप लोग कमेंट्स कर दीजिएगा। प्रश्न संख्या 2 है, इसी प्रकार निम्न के सार गुणनखंड निकालिए। अब हमें तीन संख्याएं दे रखी है, अब हम तीनों संख्याओं को लिखेंगे, उसके गुणनखंड को लिखेंगे और लिखेंगे कि कौन से ऐसे नंबर्स हैं जो तीनों के गुणनखंड में आ रहे हैं। आठ के गुणनखंड क्या होंगे? आठ के गुणनखंड होंगे एक, फिर एक के बाद हो जाएगा यहाँ पर दो, फिर चार, आठ, इसी प्रकार 12 के गुणनखंड लिखेंगे, 12 के गुणनखंड होगा एक, दो, तीन, तीन का पहाड़ा में भी आता है, एक, दो, तीन भी हो जाएगा यहाँ पे, चार, छः और 12। यहाँ पे एक संख्या छूट गई है, तीन भी होगा यहाँ पे, एक, दो, यहाँ चार के पहले यहाँ तीन भी होगा, क्योंकि 12 का पहाड़ा में यहाँ पे तीन का पहाड़ा में 12 भी आता है। वैसे हमें सार गुणनखंड निकला है, तो 20 का पहाड़ 20 किसके किसका पहाड़ा में आता है? एक का पहाड़ा में, दो का पहाड़ा में, चार का पहाड़ा में, पांच का पहाड़ा में, 10 का पहाड़ा में और 20 का पहाड़ा में। सार गुणनखंड निकालना है, तो सार गुणनखंड क्या होगा?
जो तीनों में आएगा, 1 दिनों में है, 2 दिनों में है और 4 दिनों में है। यहाँ पे आप एक संख्या और लिख लीजिएगा ऐसे करके 3, क्योंकि 3 भी 12 को विभाजित कर लेती है। सार गुणनखंड निकालना है तो तीनों में 1 आ रहा है, फिर तीनों में 2 आ रहा है, फिर तीनों में 4 आ रहा है। तो ये तीनों संख्याएं सार गुणनखंड होगी 8, 12 और 20 के। क्लियर है? प्रश्न संख्या इसी का 2 दे रखा है, 9, 12 और 24। तो सबसे पहले 9 के गुणनखंड लिखेंगे, 9 के गुणनखंड होंगे 1, 3 और 9। 12 के गुणनखंड लिखेंगे तो 12 के गुणनखंड होंगे 1, 2, 3, 4, 6 और 12। गुणनखंड क्या होते हैं कि वे संख्याएं जो इस संख्या को पूरी तरह से विभाजित कर दे, यानी 2 का पहाड़ा में 12 आता है 6 बार में, 3 का पहाड़ा में भी, 4 का पहाड़ा में भी, 6 का पहाड़ा में भी और 12 का पहाड़ा में भी 12 आता है। इसके अलावा कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जिसके पहाड़ा में 12 आता है। तो हमने 12 के सभी गुणनखंड को लिख लिया। फिर 24 के गुणनखंड को लिखेंगे तो 24 के गुणनखंड हो जाएंगे 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 और 24। ये संख्याएं 24 को पूरी तरह से विभाजित करती है। अब वे कौन सी संख्याएं हैं जो तीनों के गुणनखंड में आ रही है? तो 1 3 में आ रहा है, फिर यहाँ पे 1 के बाद इसमें 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 आ रहा है, 1 और 3, 9 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, तो 1 और 3 सिर्फ होगा। क्या हो जाएंगे? 1 और 3। तो 9, 12 और 24 का सार गुणनखंड क्या होगा? 1 और 3 होगा। क्या होगा बच्चा? 1 और 3 होगा। ऐसे आपको लिख लेना है। ये था प्रश्न संख्या 2। चलिए करते हैं प्रश्न संख्या 3 को। निम्न के प्रथम 3 सार गुणज लिखिए। देखिए, गुणज और गुणनखंड में क्या अंतर है? गुणज का अर्थ है बच्चा कि वे संख्याएं जो 2 का पहाड़ा में आती है, और गुणनखंड का अर्थ क्या है कि वे संख्याएं जो 2 का पहाड़ा जो 2 से विभाजित कर दे। जैसे कोई भी संख्या दे रखी है, हमने गुणनखंड में क्या पढ़ा, जैसे दे रखा था संख्या 12, तो कौन कौन सी ऐसी संख्याएं हैं जो 12 को पूरी तरह से विभाजित कर दे, ये हुआ गुणनखंड। गुणज क्या होते हैं कि कौन कौन सी ऐसी संख्याएं हैं जो 12 का पहाड़ा में आती है। यहाँ पे दे रखा है प्रथम 3 सार्वगुणज लिखिए। गुणज का अर्थ है जैसे 2 और 3, तो 2 का पहाड़ा लिखेंगे, 3 का पहाड़ा लिखेंगे, और इसके प्रथम 3 सार्वगुणज लिखना है, यानी प्रथम में जो जो संख्याएं 3 सेम आएगी उन तीनों को लिख देना है। जैसे 2 का पहाड़ा हम लोग लिखेंगे, 2 का पहाड़ा हमने यहाँ पे लिखा है, जैसे 2 का 2, 2 3 4, 2 3 6, 2 4 8, 2 5 10, 2 6 12, 2 7 14, 2 8 16, 2 9 18, 2 10 20, 2 का पहाड़ा लिख लिया हमने। 3 का पहाड़ा लिखेंगे, 3 का 3, 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 6 12, 3 5 15, 3 6 18, 3 7 21, 3 8 24, 3 9 27, 3 10 30। अब ले रखा है कि प्रथम 3 सार्वगुणज, सार्व जब भी पूछे तो इन दोनों में आना चाहिए, इन दोनों में संख्याएं आना चाहिए जो कॉमन हो, दोनों में आ रही हो। तो 2 इसमें है, इसमें नहीं है, 4 इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें 6 है, इसमें भी 6 है, तो प्रथम संख्या हो जाएगी 6। हमें 3 देखना है, 8 है इसमें, इसमें नहीं है, 8 10 नहीं है, 12, 12 इसमें भी, इसमें भी है, 12 के भी आगे चलेंगे तो 18। तो संख्याएं क्या हुई, 6, 12 और 18, ये तीनों संख्याएं इन दोनों के सार्वगुणज होगी। तो क्या लिखेंगे, लिखेंगे 2 3 के प्रथम सार्वगुणज, 3 सार्वगुणज 6, 12 और 18 है, प्रथम पूछ रखा है तो आपको पहले से चेक करना है। ठीक है, ये है प्रश्न संख्या 1। दूसरा प्रश्न है 2 और 5। तो पहले 2 का पहाड़ा लिख लीजिए ऐसे करके, फिर 5 का पहाड़ा लिख लीजिए। मैंने लिख लिया है, पहाड़ा लिखना तो बहुत ही आसान है ये प्रश्न है। फिर हमें देखना है कि कौन कौन सी ऐसी प्रथम 3 संख्याएं हैं जो दोनों में समान आ रही है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए, इसमें से देखते, इसमें 10 है, इसमें भी 10 है, फिर इसमें 20 है, इसमें भी 20 है, और हमें 3 देखना है तो हमें और लिखना होगा, क्योंकि यहाँ पे 20 तो अंतिम आ गया, तो और इसे बढ़ा लेते हैं। 20 के बाद यहाँ पे 2 और 5 के प्रथम 3 सार्वगुणज हुए 10 और 20, ये तो 2 हुए, और हमें बढ़ाने के लिए इसके बढ़ाना पड़ेगा 20 के बाद 22, 24, 26, 28, 30, इसमें भी 30 है, इसमें भी 30 है, तो दोनों में क्या हुए, 30 हो गए। तो 2 और 5 के प्रथम 3 सार्वगुणज 10, 20 और 30 होंगे। ये था प्रश्न संख्या 3, प्रश्नावली 4.2 के। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। अगले वीडियो में हम सभी करेंगे प्रश्न संख्या 4, 5 और 6।
वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। भारतवर्ष क्लासेस पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद बच्चा, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।